श्री स्वामीनारायण गादी ग्रंथ प्रकरण 31 भाग 7मो सद्गुरु बापा ने अंतिम संस्कार विधि कर्या पछी स्नान विधि करी सौ साथे मंदिरे आव्या। त्यांथी जीवन प्राण स्वामी बापा रात्रे कड़ी पधार्या। जीवन गयुं एटले जीवन प्राण स्वामी बापाए कड़ी जता ज गाड़ी में मंदवा ग्रहण कर्यो अने मौन व्रत धारण करी सद्गुरु स्वामी श्रीनी लीलानुं स्मरण करता तेओ श्रीना नयन कमळमांथी अश्रु बिंदु टपकवा माँड्या अने जीवन प्राण स्वामी बापाए सद्गुरु स्वामी श्रीनी मूर्ति संभाळी प्रार्थना करवा माँडी। ते प्रार्थना मूर्त स्वरूपे कीर्तनमां रचाई गई। ते प्रार्थनाना शब्दो छे, हे सद्गुरुजी जेम कहेशो तेम करशुं जोड़ी हाथ जी। भगवद गीता नो सार, अर्जुन कहे छे श्रीकृष्णचंद्र ने करीशे वचनम तव। आ सिद्धांत अहीं गुरुदेव सद्गुरु बापा ने जीवन प्राण स्वामी बापा कहे छे के सद्गुरुजी आप जेम कहेशो तेमज अमे करीशुं अने हे कृपा निधि कृपा करीने राखो अमने साथ जी। हे दयाळु हे कृपा निदान अमने सदाय तमारी साथे ने साथे ज राखजो। आप सदाय श्रीजी साथ रहो रही रसबस भावे सुख लहो तेनो पारज पामे कोण कहो। स्वामी बापा कहे छे हे गुरुदेव आप तो सदाय भगवान नी साथे ने साथे जता अने रसबस भावे हमेशा सुख मानता हता। सद्गुरु बापा नी लीला ना दर्शन करिए तो सद्गुरु बापाए आ लोक में जुदा जुदा मंदवाल देखाड़ा। तेमा जे समय जे कई मंदवाल ग्रहण करो तेमा डॉक्टरों जे कई ट्रीटमेंट करी सर्जरी करी तेमा कोई दिवस सद्गुरु बापा ने एनेथेसिया आपेलो नथी। जे कई डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करवी होय सर्जरी करवी होय तो सद्गुरु बापा ए रसबस भावे शांत मूर्ति थका बिराजमान रहे अने डॉक्टरों ने जे कहीं करव हो ते पोतानी रीते कर्या करे। आवा सद्गुरु बापा ए सदाय भगवान नी मूर्ति में रसबस भावे सुख लेनारा हता तेनो क्यांथी पार पमाय। आप स्वतंत्र सिद्ध मुक्त हता करी दर्शन जीवो न्याल थता लई आशीर्वाद सुखमांथी जता। स्वामी बापा कहे हे गुरुदेव आप तो स्वतंत्र अने सिद्ध मुक्त हता अनेक जीवो आपना दर्शन करी अने न्याल थता आपना आशीर्वाद थी सुखिया थता। सद्गुरु बापाए सरसपुर में एक समय मंदवा ग्रहण करेलो अने ते समय कोई एक हरिभक्त सद्गुरु बापा पासे पोतानुं दुख टाळवा प्रसादीनुं जल लेवा आव्या। त्यारे सद्गुरु बापा जे ओरडामां पोढेला हता ते ओरडानी बहार एक संत हता। तेमने ते हरिभक्त कहे छे के मारे आ मारू दुख टाळवाने माटे सद्गुरु बापा पासे प्रसादीनुं जळ लेवुं छे। त्यारे ते संतने सद्गुरु बापानो महिमा न होवाथी कहे छे के एनो प्रसादीनुं जळथी तमारुं दुख दूर थई जाय तो पोते शा माटे आवा दुखी थाय छे। तरत ज पेला हरिभक्त समझी गया के आ संतने सद्गुरु बापानो महिमा नथी तरत ज तेनाथी दूर थई गया अने पछी सद्गुरु बापाना महिमावाळा संतने आ वात करी एटले ते संत ते हरिभक्तने सद्गुरु बापा पासे लई जई अने प्रसादीनुं जळ आप्युं। आम सद्गुरु बापाना दर्शने अने तेना आशीर्वादथी अनेक जीवो न्याल थता। वळी स्वामी बापा कहे छे आप उपदेश माटे विचरता एक श्रीजी विनानो भार हरता राखी मूर्तिमां निर्भय करता हे सद्गुरुजी जेम कहेशो तेम करशो जोड़ी हाथ जी। सद्गुरु बापा पृथ्वी पर विचर्या शा माटे अनेक जीवोना उपदेशने माटे तेमणे अनेक मुमुक्षुओने उपदेश करी अने दरेकने स्वामीनारायण भगवान विषे जोड्या। स्वामीनारायण भगवान सिवाय बीजा कोईनो लेस पण भार नहीं एक स्वामीनारायण भगवान विषे पतिव्रतानी भक्ति अन्य निष्ठा आ सद्गुरु बापाए सर्वने केळवावी अने आवा जे अनन्य निष्ठावान अने पतिव्रता भक्ते युक्त जे भक्तो थया ते सर्वने
सद्गुरु बापाए भगवानी मूर्ति में रसबस करी दीधा अने निर्भय करी दीधा। उच्च उपासनानी वातोथी वळी दिव्य भावे दर्शन थी घणा छूट्या मायक बंधन थी। हे सद्गुरु जी, सद्गुरु बापा सर्वत्र ज्यां ज्यां कथा वार्ता करे त्यां त्यां सर्वोपरि उपासना उच्च उपासनानी दृढ़ता करावे अने पोते पोतानुं क्यारेक क्यारेक दिव्य भावे दर्शन पण करावे, क्यारेक मनुष्य लीला दर्शावे अने क्यारेक दिव्यपणुं पण जणावे अने क्यारेक पोतानुं समर्थपणुं पण जणावे। खाखरिया टपानुं धरमपुर गाम, त्यां सद्गुरु बापा कच्छमांथी पधार्या अने धरमपुर गाममां एक भक्तने घरे सभा करीने बिराजमान हता अने ते समये सद्गुरु बापा पोतानो दिव्य भाव दर्शावता कहे छे कि अमे कच्छमांथी निकळ्या ते अहीं आवता आवता रस्तामां जे जे जीवो वृक्ष वेली झाड़ पहाड़ मनुष्य पशु पक्षी जे जे अमारी दृष्टिए चढ़या ते बधानुं कल्याण करता 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 अमे अहीं आव्या। अमे तो सद्गुरु बापा कहे छे केवा समर्थ छीए, અહીં બેઠા થતાં જીવને મુઠ્ઠીમાં લઈને ફેંકીએ ને તો જીવ સીધો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની મૂર્તિમાં પહોંચે પણ વચમાં ક્યાંય અટકે નહીં। આવા સદગુરુ બાપા સમર્થ હતા તે ક્યારેક ક્યારેક પોતાનો દિવ્ય ભાવે આવું દર્શન મુમુક્ષોને કરાવતા અને એના કારણે આવા દિવ્ય ભાવે દર્શનથી ઘણા બધા મુમુક્ષો માયિક બંધનથી છૂટી અને ભગવાનને વિશે રસબસ ભાવે જોડાઈ ગયા। वळी स्वामी बापा कहे छे आप दर्श समागम जेने कर्या दिव्य भावे तेना अंग फर्या ते तो श्रीजी सुखमा सहु ठर्या। हे सद्गुरु जी, स्वामी बापा कहे छे हे गुरुदेव आपना गुणनु तो शुं वर्णन करिए, जेने जेने आपनु दर्शन समागम जे जे कर्या अले आपने भटकाईने जेना उपर वायु गयो ए पण बधा दिव्य भावने पामी गया અને તેના અંગ ફરી ગયા। સદગુરુ બાપા જે જે ભક્તો દર્શને આવે અને કોઈ પણ જાતને પોતાની તકલીફ પોતાનું દુઃખ એ સદગુરુ બાપા આગળ કહે ત્યારે સદગુરુ બાપા પોતે શાંત ચિતે અને સમર્થ ભાવે તે ભક્તને આશીર્વાદ આપે અને તે ભક્તના દેહભાવ ટાળી નાખે। સદગુરુ બાપા તો ભગવાનની મૂર્તિના સુખમાં મૂકી દે। વળી સ્વામી બાપા કહે છે આપે રમત ગમતથી જ્ઞાન કરી પૂછી પ્રશ્નો સર્વે ગ્રંથિ હરી જોઈ મૂર્તિ અમારી દ્રષ્ટિ ઠરી। સદગુરુ બાપા નાના બાળક સાથે બાળક જેવા, પ્રૌઢ સાથે પ્રૌઢ જેવા, યુવાન સાથે યુવાન જેવા અને વૃદ્ધ સાથે વૃદ્ધ જેવા આવા થઈ અને રમત ગમત કરતા કરતા જ્ઞાન આપી દે। નાનું બાળક આવે ને એટલે સદગુરુ બાપા પૂછે ક્યાંથી આવ્યો, ત્યારે બાળક એમ કહે કે મારે ઘરેથી આવ્યો, ત્યારે સદગુરુ બાપા ગમત કરે ઘર કયું, ત્યારે બાળક પોતાના ઘરનું કંઈ નામ લે ને સદગુરુ બાપા કહે ના એ નહીં આપણું ઘર તો મૂર્તિ છે। વળી સદગુરુ બાપા કહે બાળકને કે તારું નામ શું, ત્યારે તે બાળક પોતાનું જે નામ હોય તે કહે, ત્યારે સદગુરુ બાપા વળી પાછા ગમત કરે કે બેટા તારું નામ તો અનાદિમુક્ત છે અને અનાદિમુક્ત ક્યાં રહે, ત્યારે સદગુરુ બાપા પોતે જ પાછો સમજાવે અનાદિમુક્ત મૂર્તિમાં રહે। આવા રમત ગમતથી જ્ઞાન કર આપનાર એવા સદગુરુ બાપા। વળી સદગુરુ બાપા અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછે અને મુમુક્ષોની જે જે ગ્રંથિ હોય, છ પ્રકારની ગ્રંથિ, ભિદ્યતે હૃદય ગ્રંથિ ક્ષીયંતે ચાસ કર્માણી તસ્મિન દ્રષ્ટે પરાવરે। સદગુરુ બાપા છ ગ્રંથિઓ ભેદાવે, તે છ ગ્રંથિઓ કહી તો આપણા ગુરુદેવ જીવનપ્રાણ સ્વામી બાપા કહે છે ગ્રંથિ જે અહંતા મમતાની મૈથુનને વળી શાસ્ત્ર ભણ્યાની હૃદયને સંશયની ગ્રંથિ ટાળ જોરે મારા છેલ છબેલા શ્યામ મૂર્તિમાં રાખ જોરે। આ છ પ્રકારની ગ્રંથિ છે તે જીવને ટળવી બહુ જ કઠણ છે, પણ સદગુરુ બાપા પાસે જે જે આવે તેને સદગુરુ બાપા રમત ગમત સાથે જ્ઞાન આપે અને તેની સર્વ ગ્રંથિઓ હરી લે અને આવા સદગુરુ બાપા તેમને જોઈ તેમના દર્શન કરી અને મુમુક્ષુની દ્રષ્ટિ મૂર્તિમાં સ્થિર થઈ જાય। વળી સ્વામી બાપા કહે છે
आप अखंड मूर्ति मां रहता, अहीं मनुष्य रूपे दर्शन देता, अने अमने कड़वा मीठा वचनों कहता। सदगुरु बापा ये तो निरंतर स्वस्वरूप मां रहता, अखंड मूर्ति मां रहता, अने मूर्ति मां रहया थका अहीं मनुष्य रूपे भगवान ना संकल्पे करीने दर्शन आपता हता, अने पोताना शरणे आवेला मुमुक्षु जीवो तेमने क्यारेक कड़वा वचन पण कहे अने क्यारेक मीठा वचनों पण कहे। सद्गुरु बापा केवी मीठी मीठी भलामण करे। एक वक्त आपणा गुरुदेव जीवन प्राण स्वामी बापा पोते पोतानी वात करता हता कि आवो शियाळानो समय, पोष महीना निकलकळती ठंडी पड़े अने सवाना पोरमां वहेला स्वामी बापा जागृत थाय, त्रण वागे स्वामी बापा जागे अने स्नान करे। ते स्नान करवा माटे गरम पाणी नहोतुं, रात्रिए जे पाणी टाँकीमां भरेलू पड्यूं होय तेमांथी डोल लई अने जीवन प्राण स्वामी बापा स्नान करे। अने आवी रीते आवी ठंडीमां आवा ठंडा पाणीथी स्नान करवाथी जीवन प्राण स्वामी बापाना शरीर उपर चीरा पड़ी गया अने तेमांथी लोही टपके। सद्गुरु बापाए जोयुं एटले सद्गुरु बापा स्वामी बापा ने पोतानी पासे बोलावी अने प्रेम थी सद्गुरु बापाए स्वामी बापा ने पोतानी पासे बेसाड्या अने पोतानी जोड़ीमांथी कोकम अने मीण मिक्स करी अने एक गोळो तैयार करेलो ए सद्गुरु बापा लई अने पोताने हाथे स्वामी बापाना शरीर पर घसवा माँड्या अने साथे साथे मीठो ठपको पण आपे कि बेटा आटलो बधो वेलू उठीने नवातो हशे अने कदाच नाहवू होय तो भले ना पण गरम पाणी करीने नाहवू जोईए ने। अने आ प्रमाणे मीठी भलामण करता करता सद्गुरु बापा पोतानो कोमल कर स्वामी बापाना शरीरे फेरवता जाय अने पेलो मीणनो गोळो घसता जाय अने त्यारे स्वामी बापा कहे छे कि गुरुदेव ए ठंडा पाणीनो दुख तो कांज नथी, ए दुखनी आगळ तो जे आपनो आ कोमल कर जे शरीर पर फरे छे ने ए तो अनेक गणो सुख प्राप्त थाय छे। आवा सद्गुरु बापा कड़वा मीठा मीठा वचनों कहे कि बेटा वेलू बहु उठवानू नहीं अने कदाच वेलू उठी ने नावू होय तो गरम पाणी स्नान करवारू। अने माटे साई बापा कहे छे कि हे गुरुदेव आप तो अमने आवा कड़वा मीठा वचनों कहता। वळी स्वामी बापा कहे छे आप प्रौढ़ प्रतापे अनुरागी कंक गृही मटी ने बन्या त्यागी तब कृपाथी मूर्ति मां ले लागी। हे सद्गुरु जी अपना गुरुदेव जीवन प्राण स्वामी बापा कहे छे के सद्गुरु बापा तो प्रौढ़ प्रतापे अनुरागी बहुज परचा चमत्कार मां सद्गुरु बापा मानता नहोता, कारण के जीवन प्राण बापा से पहला भाग ने 17वीं वात मां कहे छे। शेदलाना कांजी भाई बापासी ने कहे छे के बापा पूर्वे जे मुक्त चमत्कार जणावता तेम आज केम नहीं जणावता होय, त्यारे बापा के आज जो चमत्कार जणावे तो महाराज ने मुकीने मोटाने विषे चोटी जाय। वळी आगळ बापा कहे छे चमत्कार तो रमकड़ा जेवा छे, जेम बाळक ने रमकड़ू आपे तेने करीने राजी थाय पण भूख भागे नहीं, एम बापाश्री कहे छे चमत्कार ऐश्वर्य पण तेवा छे एने करीने राजी थवाय पण एनाथी जीवात्मामां बळ आवे नहीं। माटे अहींया कहे छे सद्गुरु बापा प्रौढ़ प्रतापे अनुरागी तो पण क्यारे क्यारे प्रौढ़ प्रताप पण दर्शावे, एवो प्रताप दर्शावे। एक वक्त आपणा जीवन प्राण स्वामी बापा सवारमां चूलो सळगावो हतो एटले मंदिरमां जे लाकड़ानो ढगलो हतो एमां लाकड़ा लेवा गया तो त्यां ए लाकड़ामां वीछी हतो अने वीछीए स्वामी बापाने अथेळीमां डંખ માર્યો। વીછી મોટો અને છંછળાયેલો હતો તેથી તેનો ડંખ પણ આકરો હતો, પરંતુ ચીસ પાડે કે આક્રંદ કરી ઉઠે એ આપણા સ્વામી બાપા નહીં। કાંડું દબાવતા દબાવતા જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાએ સદગુરુ બાપાને જાણ કરી કે ગુરુદેવ અહીંયા વીછી કરડ્યો છે। સદગુરુ બાપા અત્યંત દ્રવિત થઈ ગયા, બાપ જેમ બાળકને ખેંચે તેમ સ્વામી બાપાને પોતાના ખોળામાં બેસાડી અને સદગુરુ બાપાએ સ્વામી બાપાની અથેળીનો ઝેરથી ભર્યો ભાગ ચૂસવા માંડ્યો।
झेर ने झड़पती चूसता जाए अने चूसायेला झेर ने थूकता जाए वड़ी पाछा जोर करीने चूसवा लागी जाए अने आम जोत जोतामां साईं बापानी वेदना तद्दन निर्मूल थई गई। आवा समर्थ हता सद्गुरु बापा। वड़ी एक वक्त साईं बापा ने पगमां वीछीए डंख मार्यो। बाल्यावस्थामां खेलेली लंगड़ीनी रमत ने जाने ताजी करता होय तेम स्वामी बापाए पोताने वीछी करलो तेनी हा तेनी वात दूरथी सद्गुरु बापा ने करी। पोतानी हालतनी जाण सद्गुरु बापा ने दूरथी ज करी। सद्गुरु बापा दूर उभा उभा बन्ने हस्ता ऊंचा करी अने स्वामीनारायण 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 एम बोलवा माँड्या अने आँखना पलकारामां स्वामी बापानी वेदना मटी गई। आवा सर्व समर्थ सद्गुरु बापा अने एमना जोगे करीने केटलाय गृहस्थो त्यागी थई गया। अने खाली त्यागी थया एटलुं ज नहीं पण सद्गुरु बापानी कृपाथी मूर्तिमां लेह लागी एटले लगनी लागी गई। वड़ी स्वामी बापा कहे छे आप दिव्य रूपे दर्शन देजो। वड़ी हितकारी वचनो कहेजो जाणी बीरद सदा भेड़ा रहेजो। स्वामी बापा प्रार्थना करे छे गुरुदेव आप सदाय ने माटे दिव्य रूपे दर्शन आपता रहेजो अने अमने सदाय ने माटे हितकारी वचनो कहता रहेजो अने आपनो बीरद जाणी अने जे जे क्रिया करिए तेमां सदाय भेड़ा रहेजो। वळी स्वामी बापा कहे छे के हे गुरुदेव आप कृपा करी वचने पड़जो होय गुन्ना अमारा ते माफ करजो आ सेवकनी विनंती उर धरजो हे सद्गुरुजी। स्वामी बापा छेल्ले आ प्रार्थना करे छे के हे गुरुदेव जे आपे वचन माग्या छे बापासीनी मूर्ति पधरावाना तो कृपा करीने ए वचने पड़जो अने जे कई अमारा वांग गुना होय ते बधाय माफ करजो। आ सेवक कहता आपणे बधा ज साथे मळी आ सेवकोनी विनंती उर धरजो। बधा ज आपणे स्वामी बापाना आश्रित स्वामीनारायण गादीना आश्रित स्वामी बापाना बाळको ए प्रार्थना करिए आपणा गुरुदेव सद्गुरु बापाने जीवन प्राण स्वामी बापाने अपनी नादवंशीय परंपरा ने अपने प्रार्थना करी हे गुरुदेव सदाय ने माटे अमारा ऊपर कृपा करी अने अमारा गुना माफ करी अने आपने मूर्ति में राखजो। आ सद्गुरु बापा ने प्रार्थना स्वरूपे श्रद्धांजलि स्वरूपे स्वामी बापाए कीर्तन रच्यू अने आजे पण आ कीर्तन सद्गुरु दिनना दिवसे सद्गुरु स्वामी सेना संस्मरण रूपे गवाय छे।